हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेम्स वर्ल्ड में। दोस्तों हमेशा की तरह आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, नया वीडियो। तो आज के टॉपिक में दोस्तों आप जानोगे टाइल्स स्टोन से लेके डायमंड तक। जो आपने सुना होगा कि 1 से लेके 10 तक की हार्डनेस में जेम स्टोन पाए गए हैं, तो कौन कौन से जेम स्टोन होते हैं और कौन से स्टोन की कितनी हार्डनेस होती है, तो आज हम इस उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि रत्नों से संबंधित जो जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती है और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आज आप कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रत्न कितने प्रकार के होते हैं और उनकी हार्डनेस क्या क्या होती है। आज हम सभी प्रकार के रत्नों की चर्चा करेंगे, जो भी रत्न है 1 से लेकर 10 तक। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ 10 स्टोन आपको बता रहा हूँ कि रत्न 10 ही प्रकार के होते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो मैन रत्न होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं हार्डनेस के हिसाब से, बाकी जो भी रत्न होते हैं सारे इन रत्नों के उप रत्न होते हैं। तो दोस्तों उस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो टाइल्स से लेके डायमंड तक जो रत्न होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इनको हम पहचाने कैसे, इनके हार्डनेस के जरिए पहचान सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज आप कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे हार्डनेस के हिसाब से पहले स्टोन की तरफ, टाल्क स्टोन की तरफ। दोस्तों इसके जो रंग होते हैं सफ़ेद और हरे रंग में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसका उपयोग जो है लगभग सभी घरों में होता है, क्योंकि दोस्तों इससे कपड़ों की चिकनाई दूर की जाती है और ये चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आता है। पोर्सलेन, टाइल, रबर, कागज़ और रंग जैसे उद्योगों में पूर्ण रूप से काम आता है दोस्तों, और इससे रासायनिक बर्तन भी बनाए जाते हैं, बिजली के उद्योगों में भी काम आता है। और अगर हम इसकी खदानों की बात करें तो भारत में इसकी उच्चतम श्रेणी के निक्षेप राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, और विश्व की बात करें तो फ्रांस के पायरेनरीज प्रदेश में सबसे अच्छा टाल्कम स्टोन मिलता है दोस्तों। तो ये था अपना टाल्क स्टोन, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टोन की तरफ। तो दोस्तों हार्डनेस के हिसाब से अपना दूसरा स्टोन है जिप्सम स्टोन। दोस्तों ये लगभग सभी रंगों में देखने को मिल जाता है, और दोस्तों जो इसकी हार्डनेस होती है 1.5 से लेके 2 तक होती है, यानी कि इसकी हार्डनेस 2 में आंकी गई है दोस्तों। दोस्तों लगभग ये आपको मालूम होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP जो होता है उसमें काम में लिया जाता है, और भी कांच और पोर्सलेन जैसे उद्योगों में भी काम में लिया जाता है। दोस्तों जिप्सम को हरसोट के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये मिलता है अपनी नमक की खदानों में बहुतायत मात्रा में निकलता है, और जो ऊसर भूमि होती है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत में राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, इन प्रदेशों में इनकी खदानें चलती है दोस्तों। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो टाल्क स्टोन है और जो जिप्सम स्टोन है, टाल्क स्टोन को रत्नों में यूज़ में नहीं लिया जाता है क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, और थोड़ा बहुत इसको यूज़ में लिया जाता है जो जिप्सम स्टोन है, लेकिन इसको भी बहुत कम मात्रा में लोग रत्नों में यूज़ करते हैं। तो चलो दोस्तों ये हो गया अपना जिप्सम स्टोन, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टोन की तरफ। तो दोस्तों अपना तीसरा स्टोन है हार्डनेस के हिसाब से कैल्साइट स्टोन, और दोस्तों इसकी रंग की बात करें तो लगभग ये सभी रंगों में देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो इसकी हार्डनेस होती है मोस्ट हार्डनेस स्केल पे 3 बताई गई है। दोस्तों जो संगमरमर पत्थर होता है वो भी इसी से बनता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसको कई सूक्ष्मदर्शी फोटोमीटर और कई अन्य प्रकाशीय यंत्रों में इसमें यूज़ में लिया जाता है दोस्तों। और आपको मालूम तो है ही दोस्तों कि रत्नों में भी यूज़ आता है, लेकिन दोस्तों इसकी हार्डनेस 3 होने के कारण इसको भी रत्नों में बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टोन की तरफ। तो दोस्तों हार्डनेस के हिसाब से अपना चौथा स्टोन है फ्लोराइट। दोस्तों इस स्टोन की मॉस स्केल हार्डनेस पे 4 हार्डनेस बताई गई है, और जिसके कलर होते हैं पर्पल कलर, ब्लू कलर, और बच्चे जो आप कलर देख रहे हैं इन्हीं 2-3 कलरों में देखने को ये मिलता है। दोस्तों इसके जो उपरतन हैं पेरल और रोहुड क्रोसाइट, मालसाइट, ऐसे स्टोन आते हैं दोस्तों, इन सब की हार्डनेस 4 होती है दोस्तों। दोस्तों फ्लोराइट को आभूषणों के अलावा, रत्नों के अलावा इससे खास प्रकार के लेंस भी तैयार किए जाते हैं, और इससे खास प्रकार का अमल भी तैयार किया जाता है दोस्तों। वैसे ये हाइड्रोफ्लोराइड एसिड में भी उच्चतम श्रेणी निभाता है,
तो दोस्तों ये था अपना चौथा स्टोन हार्डनेस के हिसाब से फ्लोराइड। चलो आगे बढ़ते हमारे पांचवे स्टोन की तरफ। दोस्तों तो अपना हार्डनेस के हिसाब से पांचवा स्टोन है एपेटाइट स्टोन। दोस्तों इसकी हार्डनेस 5 आंकी गई है। दोस्तों ये लगभग सभी रंगों में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो इसका उपयोग है रत्नों के साथ साथ, रत्नों में तो यूज आता ही आता है, उसके साथ साथ इससे खास प्रकार का एसिड भी तैयार किया जाता है और ये बहुत सारे उर्वरक बनाने में भी काम में आता है और इससे खास प्रकार के लेंस भी तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी सारे उद्योगों में भी पूरक रूप से काम आता है। तो दोस्तों ये है अपना एपेटाइट स्टोन। दोस्तों वीडियो में हुई काफ़ी सारी अशुद्धियों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, बस इसी वजह से थोड़ी अशुद्धियाँ हो रही है, तो उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था अपना एपेटाइट स्टोन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे छठे स्टोन की तरफ। तो दोस्तों ये है अपना छठा स्टोन हार्डनेस के हिसाब से ऑर्थोक्लेस। और दोस्तों ऑर्थोक्लेस की हार्डनेस नंबर 6 में आकी गई है। और दोस्तों अगर मैं इसके रंगों की बात करूं तो लगभग सभी रंगों में देखने को मिल जाता है। और इसका दोस्तों जो उपयोग है, सबसे ज़्यादा उपयोग इसका रत्नों में ही यूज़ होता है। दोस्तों रत्नों के साथ साथ इसका उपयोग कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में और नकली दांत बनाने में। और दोस्तों इसका जो खास उच्चतम श्रेणी का जो फास्फोरस निकलता है उसका विद्युत अवरोधी पदार्थ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना ऑर्थोक्लेस यानी कि फास्फोरस, जिसको हम फास्फोरस स्टोन भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें स्टोन की तरफ, क्वार्ट्ज स्टोन की तरफ। दोस्तों इस स्टोन के बारे में तो आप लगभग सभी दोस्त जानते होंगे, क्योंकि इस स्टोन के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों हार्डनेस के हिसाब से अपना सातवां स्टोन है क्वार्ट्ज स्टोन। दोस्तों ये रत्नों के साथ साथ में अपना काफ़ी सजावटी रूप से भी इसको लोग काम में लेते हैं। और दोस्तों इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि अपने भारतवर्ष में भी ये लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, इसी वजह से इसकी कीमत बहुत डाउन होती है और ये लगभग सभी रंगों में देखने को मिल जाता है। दोस्तों एकमात्र एक यही ऐसा स्टोन है जो आपको राह चलते भी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अपने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मिलने वाला स्टोन ये क्वार्ट्ज स्टोन यही है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उपरतन इसी स्टोन्स के पाए जाते हैं क्वार्ज स्टोन के। तो दोस्तों ये था अपना क्वार्ज स्टोन। आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें नंबर टोफाज स्टोन की तरफ। तो दोस्तों टोफाज जो स्टोन होता है उसकी हार्डनेस 8 होती है और लगभग ये भी सभी रंगों में देखने को मिल जाता है, लेकिन लगभग येलो टोफाज ज़्यादा फेमस होता है और एक ही कॉस्टली स्टोन होता है। दोस्तों इसको संस्कृत में पुष्पराज और हिंदी में पुखराज के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों इसी के संगीन जो स्टोन है, जिसको अपन एमराल्ड कहते हैं, वो स्टोन भी टोपाज कैटेगरी में ही आता है। तो दोस्तों जो टोपाज स्टोन है एक कीमती रत्न होता है और लोग इसको अपनी राशि के अनुसार इसको धारण करते हैं और कहते हैं कि असली टोपाज की जो पहचान है, असली पुखराज की जो पहचान है, दूध में 24 घंटे डुबो के रखने से मालूम चलता है। कहते हैं कि 24 घंटे दूध में डुबो के रखो, अगर उसका रंग फीका ना पड़े तो वो ओरिजिनल होता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना टोपाज स्टोन। आगे बढ़ते हैं हमारे नवे स्टोन की तरफ, सफायर स्टोन की तरफ। तो दोस्तों अपना हार्डनेस के हिसाब से नवा स्टोन है सफायर स्टोन। हाँ दोस्तों ये एक बहुकीमती रत्न होता है, जैसा कि आपने सुना होगा नीलम, रूबी। हाँ दोस्तों ये सभी सफायर स्टोन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी हार्डनेस जो होती है 9 होती है और लगभग ये सभी रंगों में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो ब्लू रंग है, ब्लू और रेड कलर, ये ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये नेचुरली तो मिलता है, लेकिन ये बहुत महंगा होने के कारण इसको कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना सफायर स्टोन। और अब लास्ट एंड वन बढ़ते हैं अपने 10वें स्टोन की तरफ यानी कि डायमंड की तरफ। तो दोस्तों अपना 10वां नंबर का स्टोन है हार्डनेस के हिसाब से डायमंड, जो कि दोस्तों आप जानते हो एक बहुकीमती रत्न होता है। और दोस्तों इसको 10 की हार्डनेस की कैटेगरी में दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रत्न 9 तक के मैंने आपको बताए हैं ना, इन सब से 150 गुना ज़्यादा हार्डनेस इसकी होती है दोस्तों। वो इसलिए इसको दिया गया है कि कोरांडम के बाद में यानी कि सफायर के बाद में और डायमंड के बीच में ऐसा कोई स्टोन नहीं है जिसकी हार्डनेस डायमंड को टक्कर दे सके। जो मोजोनाइट आता है दोस्तों, उसकी 9.5 हार्डनेस होती है, लेकिन उसको भी डायमंड की कैटेगरी में ही दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों डायमंड जो होते हैं आपको उस लगभग सभी रंगों में देखने को मिल जाते हैं और इनकी जो शेप्स होती हैं उनके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों ये अपना बेस कीमती रतन डायमंड, जिसकी हार्डनेस जो सबसे कठोर होता है, हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना टैल्क स्टोन से लेकर डायमंड तक का रिव्यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन जेम स्टोन टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो
अपने स्टोन्स का वीडियो बनाएं और ये दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें। बस कुछ नहीं, एक छोटा सा शुल्क रखा है हमने जो आपको पे करना होता है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।